भाइयों और बहनों, जब देश हित के आगे अपना स्वार्थ रखा जाता है तो देश का हाल यही होता है। दीदी और उनके साथी आजकल देश विरोधी बोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन डोल रही है। साथियों, कल आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना का सुरक्षा कवच हटा देंगे, जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले क्षेत्र में सेना के जवानों को मदद करता है उसी कानून को हटा देंगे। ऐसा ऐसी बात जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया ऐसे लोग कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा वादा कर रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरपरस्तों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? क्यों कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर, देश को अस्थिर करने पर तुली हुई है? और भाइयों बहनों, जब से मैं चौकीदार चौकीदार कहने लगा, सीमा पर चौकीदार है कहने लगा, तो एक कांग्रेस के ऐसे नामदार है उनको हर चौकीदार पे गुस्सा आ गया और इसलिए सेना के खिलाफ भी इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की अपनी नीति की वजह से कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के प्रति सर झुकाती रही है, नरम रही है। याद है आपको, आतंकवाद के खिलाफ बना कानून टाड़ा एक किसने हटाया? कांग्रेस। पोटा का कानून किसने हटाया? कांग्रेस ने। साथियों, मत भूलिए, देश में नक्सली माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ झूठे वायदे किए। अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंकवाद के खुलकर समर्थन में आती हुई दिख रही है। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं तब कांग्रेस से निकले हुए तृणमूल वाले भी इस पाप के भागीदार है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और उसकी पूर्व पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, सारे के सारे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की भी यही वजह है। साथियों, कानून हमारी सरकार ने भी खत्म किए हैं, लेकिन ऐसे कानून जिनके खत्म होने से लोगों की जिंदगी आसान बनी, और हमने 10-20 नहीं ऐसे 1400 से ज्यादा कानून हमारी सरकार ने 5 साल में समाप्त किए। जहां स्थिति सुधर रही है वहां पर अफ़स्का को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है वो हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ता है, उसे कमजोर करता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार कांग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी
कभी कामयाब नहीं होने देगा।